नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। आपके साथ मैं सौम्या। 9वीं क्लास की नाबालिग छात्रा के साथ ढाबा पर दुष्कर्म, पुलिस ने डाला रेड तो आरोपी युवक हुआ गिरफ्तार। मौके पर पहुंचे सीईओ, एएसपी, एसपी, फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। खबर जनपद बलिया से, जहां नरही थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने नाबालिग की माँ की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर त्वरित कार्रवाई हेतु आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सूचना मिलते ही फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचे पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलन किया। नरही थाने में पीड़िता की मां ने तहरीर दिया कि प्रार्थिनी की नाबालिग पुत्री, जो कक्षा 9वीं की छात्रा है, जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, मेरी पुत्री को एक जानने वाला युवक कहीं लेकर चला गया था, जहां उसने मेरी पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़िता की मां द्वारा प्राप्त तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। थाना नरही जनपद बलिया में एक आदमी उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र देकर उन्होंने अवगत कराया कि उनकी जो बच्ची है, जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, कक्षा 9 में पढ़ती है, उसको उसके एक जानने वाले, जो कि एक बालिग है, वो लेकर के चला गया था, जहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई। और इस संबंध में तत्काल उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण फॉरेंसिक टीम के साथ कर लिया गया है। जो नामजद अभियुक्त है उसको पुलिस की हिरासत में ले लिया गया है और इसके सभी पदों पे जांच की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में अमर उजाला ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को जो खबर छापी है, उसमें बताया गया है कि किशोरी का संबंध चीतबड़ा गांव कस्बा स्थित एक लड़के से था। किशोरी सुबह घर से स्कूल जाने के लिए निकली। स्कूल पहुंचने के बाद क्लास में बैग छोड़कर युवक के साथ घूमने चली गई। दोपहर बाद किशोरी घर पहुंची। परिजनों से पूछताछ के बाद उसने पूरी घटना की जानकारी दी। परिजनों ने घटना को लेकर पुलिस से शिकायत की। किशोरी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि युवक उसे घुमाने के बहाने बाइक से लेकर भरौली गाजीपुर मार्ग स्थित एक होटल में ले गया था। होटल में खाने में नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म की वारदात दी। यह भी पता चला है कि पुलिस होटल के DVR को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। खबर देखने के लिए धन्यवाद। बलिया में रोज बरोज नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म की खबरें सामने आ रही है। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। बने रहें भारत मीडिया के साथ।